आज टीबी जी में बनने जा रहा है बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी रहने वाला और दिवाली के फराल में बनने वाला पोहे का चिवड़ा। इसकी आवाज से ही पता चल रहा है कि ये कितना क्रिस्पी है। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो आप भी इस दिवाली इस चिवड़े के रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो चलिए दिवाली स्पेशल चिवड़े के रेसिपी को शुरू करते हैं। चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कप सिंगदाना लिया है, मैंने यहाँ कच्चा सिंगदाना लिया है, 1 कप रोस्टेड चना डाल ली है और इसी कप से मैंने 1.5 कप सिंगदाना लिया है। 1/2 कप काजू और 1/2 कप सूखा नारियल, इसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। हरी मिर्च मैंने यहाँ स्वाद अनुसार ली है, जो कि 1/2 कप मैंने यहाँ कटी हुई हरी मिर्च ली है। यहाँ 1 कप मैंने करी पत्ते लिए हैं, इसे मैंने धो कर फिर सुखा लिया है। 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है और थोड़े से सफेद तिल। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पतला पोहा लिया है। 1 किलो पोहे से आज हम यहाँ चिवड़ा बनाएंगे। पोहे को हमें छान लेना है ताकि उसमें से पूरा कचरा निकल जाए। अभी पोहे को बड़े से बर्तन में डाल के इसे हमें भून लेना है। पोहे को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है, तो इसे हाथों से ही सभी ओर से चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। पोहे में थोड़ा सा 1/2 चम्मच जितना नमक ऐड करना है, नमक से पोहे का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही पोहा गर्म होने लगेगा तो इसे चम्मच से ही इस तरह से चलाते हुए रहना है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके पोहा को 2 बारी में भून सकते हैं। मेरे पास बड़ा बर्तन था तो मैंने एक साथ ही पोहे को भूनने के लिए रख दिया है। और ध्यान रहे, जब पोहा गर्म होने लगे तो चम्मच को तेजी से ना घुमाइएगा, वरना पोहा टूट सकता है। पोहे को हम 10 से 15 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, या फिर जब तक ये पोहा क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे सेक लेना है। यह पोहा मैंने रोस्ट कर लिया है, इसे ऐसे हाथों से प्रेस करते ही ये टूट रहा है, इसका मतलब पोहा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अभी बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें तेल में भून लेना है, जिसके लिए अंदाजन से ही मैंने यहाँ तेल लिया है। सबसे पहले इसमें हम सिंगदानों को भून लेंगे। दिवाली के फराल में सबसे पहले बनने वाला फराल मतलब चिवड़ा है, जो कि सबसे आसान तरीके से बनता है। कुछ नहीं, बस सारी चीजों को एक एक करके तेल में भून लेना है। जैसे ही सिंगदाने का कलर चेंज हो जाए, मतलब सिंगदाना अच्छे से भून चुका है। मैंने इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हमें रोस्ट किए हुए चना दाल को ऐड करना है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो सिंगदाने को तेल से निकाल दे फिर इसमें चना दाल को ऐड कर सकते हैं, पर एंड में सभी चीजों को मिक्स करना है, तो बिना कोई टाइम गवाए सभी चीजों को एक ही बार में फ्राई करेंगे। चना दाल को मैंने यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च को मिलाना है और इसे 1 मिनट के लिए भून लेना है। फिर इसमें कड़ी पत्ते ऐड करके इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेना है। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजों को डालने से क्या ये सभी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल होगा। दूसरा इंग्रेडिएंट डालने से जब तक ये रोस्ट हो रहा है तब तक पहले वाला भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। ये देखिए, कड़ी पत्ते से पहले जो हमने हरी मिर्च डाली थी उसका कलर अब चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब इसमें सूखा नारियल को मिलाकर इसे भी भून लेंगे। जैसे ही नारियल का रंग हल्का सा ब्राउन दिखने लगे तभी इसमें काजू मिलाकर इसे भी भून लेना है। इसमें लास्ट में सफेद तिल डाल के जो हमने साबुत धनिया और सौंफ ली थी, मैंने उसे दरदरा कूट कर इसमें ऐड किया है। इसे 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें और कोई मसाले नहीं डालते, बस 1 चम्मच के करीबन इसमें हल्दी पाउडर को मिलाना है। तीखे के लिए इसमें ऑलरेडी मिर्च को ऐड किया है। पोहा रोस्ट करते वक्त हमने उसमें पहले ही नमक डाल दिया था, तो अब इसमें 1 चम्मच के करीबन नमक डाल के सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह चिवड़ा मसाला बनके तैयार है। अभी इस मिश्रण को हमें डायरेक्टली रोस्ट किए हुए पोहे में मिक्स करना है। बस हल्के से चम्मच से उठाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि इसे मिलाते वक्त पोहा जो है वो ना टूटे। धीरे धीरे करके ही इसे हमें मिलाना है। अभी तो पोहे का रंग सफेद दिख रहा है, पर जैसे ही हल्दी सारे पोहे में लग जाएगी वैसे ही पोहे में बहुत ही सुंदर सा रंग उभर के आएगा। अब हमें इसमें आधी छोटी कटोरी पीटी शक्कर ऐड करनी है।
आप चाहें तो शक्कर को बारीक पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको भी वैसे ही पोहे को मिक्स करना है। ये देखिए, पोहा जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ही ये क्रिस्पी बना है। आप आवाज से ही पता लगा सकते हैं कि ये कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। इस दिवाली में आप भी इस पोहे के चिवड़े को जरूर ट्राई करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।